और जो जो कार्रवाई इस मंच के माध्यम से की गई, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम टाउन एक सिंधी से भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दी। हमने बताया कि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर सेक्शन 7A लागू करना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना ही कोई कारखाना है। जो थे वो पहले ही निकल चुके हैं, और उस क्षेत्र में ज्यादातर लोग हिमाचल की इंडस्ट्री पर निर्भर है, या यहाँ पर लोगों के पास कोई एकड़ से जमीन नहीं है, किलो में जमीन नहीं है। जो किसान भी है, जो जमींदार भी है, उसके पास बीघा बीघा दो दो बीघा इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन है, और कोई कारोबार क्षेत्र में ना होने की वजह से, इंडस्ट्री ना होने की वजह से, अगर किसी ने अपने परिवार में अपने बच्चे की शादी का या उसकी शिक्षा के लिए उसे कहीं बाहर भेजना है, तो उसके लिए अपना किस्मा मुकस्मा भेजना वो इस तरह का फर्क बनता था। लेकिन इस कानून के आने से उस पर भी कानून सोचा, यानी कि क्षेत्र के विकास का पहिया बिल्कुल 25 नवंबर से थम गया। एक नई बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भेदभाव की नीति मैं अपने पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूँ, 25 नवंबर से ये धारा यहाँ पर लागू है। हर व्यक्ति को इस कानून के तहत वो कोई भी पैगामा अपना पंजीकृत नहीं करवा सकता, लेकिन डीएलएफ लोन, हाउसिंग लोन, जहाँ अमीर लोगों के आशियाने हैं, जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों में आशियाने हैं, वहाँ की रजिस्ट्रियों पर कोई भी अंकुश नहीं है, और वहाँ की रजिस्ट्रियाँ निरंतर रोजाना तहसील में हो रही है। ये भेदभाव का रूप बदल गया है। एचडीआर 1977 धारा 7A के अंदर अगर हम उसे विस्तार से पढ़ते हैं, कानूनी रूप से पढ़ते हैं, तो उस एक्ट के अनुसार उसमें जो प्रावधान है उसी में ये मेंशन है कि डीलर जैसी जो कानूनी सरकार से अप्रूव है, या हाउसिंग लोन है, या अमरावती है, उनकी रजिस्ट्रियां भी इसी एक्ट के प्रावधान के अनुसार हो रही है। हम सबसे पहले तो एक दो तारा लगाएंगे, हमारी एकता, हमारी एकता।